नमस्कार, हमारी पेशकश में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। दिवाली आई है तो हम सब के जहन में जो सबसे एक प्यारी सी चीज़ कह लीजिए या हमारे यादों से जुड़ी हुई चीज़ कह लीजिए, वो है पटाखे। पटाखों को जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है, सरकारें क्या चाहती हैं, इस पर बात नहीं करेंगे आज। बात सिर्फ और सिर्फ पटाखों की होगी। हम और आप बचपन से हम लोग पटाखे फोड़ते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस पटाखे को ईजाद किस तरीके से किया गया? आखिर क्या ऐसी चीज़ें थी जहां पर हम ये कह सकें कि हाँ, इसकी वजह से पटाखे ईजाद हुए या फिर पटाखों का इस्तेमाल शुरू हुआ, पटाखे किस तरीके से बने, पटाखों को सबसे पहले किसने इसके बारे में सोचा, किस देश में, किस मुल्क में सबसे पहले पटाखों के बारे में सोचा गया और उसे इस्तेमाल में लाने की कोशिश की गई? ये एक अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि आखिर पटाखों का इतिहास क्या है, कब से पटाखे शुरू हुए, चलन में आए, कौन था वो जिसने इसकी शुरुआत की, क्या ये उस युग से चला आ रहा है जिस युग के बारे में कभी हमने सोचा नहीं, या फिर जब हम पटाखे जलाते हैं तो कभी सोचते नहीं कि आखिर इसे बनाया किसने, किसकी सोच है ये। तो चलिए अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत। नब्बे के दशक में बच्चों की दिवाली धूमधड़ाके वाली ही होती थी। आज भी आपको वो दिन याद आते होंगे जब मम्मी पापा तो घर की सफाई और पूजा के सामान की चिंता में घुले जाते थे, लेकिन आपको दिन रात बस दिवाली में अपने पटाखों की चिंता रहती थी। शाम को बाजार जाना और पटाखे, बम, चरखी, अनार, लड़ी बम, रॉकेट जैसे ना जाने कितने ही पटाखे आप खरीद लाते थे। दिवाली की रात का इंतजार कौन करे, बच्चों की दिवाली तो दो तीन दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। वो एटम बम को टूटे फूटे टीन के डब्बों के नीचे रखकर जलाना, बम फूटने पर उस डब्बे को हवा में उड़ते देखना, 100 बमों की लड़ी को मटके में रखकर जलाना और फिर उसकी आवाज का पूरे मोहल्ले तक गूंजना, याद तो होगा ना ये सब आप लोगों को। ये सुनकर तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई होगी, क्योंकि कमोबेश 90 के दशक के हर बच्चे का यही बचपन रहा होगा। सबने ऐसे ही दिवाली मनाई होगी, थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा। इस कार्यक्रम के अपनी पहली रिपोर्ट में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जिस पटाखों के बारे में हम लगातार बात करते हैं, सिर्फ दिवाली नहीं, शादी इस तरह के समारोह में भी पटाखों का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि पटाखों को इजाद इसका किसने किया, पटाखों को लेकर के बाजार में कौन आया, पटाखों की शुरुआत कहाँ हुई, किस तरीके से पटाखे लोगों ने इसको समझा और कौन था वो शख्स जिसने सबसे पहले ये सोचा, जिसकी ये कल्पना थी कि पटाखे होने चाहिए या फिर पटाखे उनकी नज़रों के सामने आए और या फिर कुछ ऐसा हुआ। क्योंकि मैं सारी बातें इस वक्त नहीं बता रहा आपको, क्योंकि आप रिपोर्ट में जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद पटाखों की सोच किसी शख्स के जहन में आई। देखिए इस रिपोर्ट को। दरअसल पटाखों का आविष्कार एक दुर्घटना के कारण चीन में हुआ। मसालेदार खाना बनाते समय एक रसोइये ने गलती से पोटेशियम नाइट्रेट आग पर डाल दिया था। इससे उठने वाली लपटें रंगीन हो गई, जिससे लोगों की उत्सुकता बढ़ी। फिर रसोइये के प्रधान ने सॉल्ट पीटर के साथ कोयले और सल्फर का मिश्रण आग के हवाले कर दिया, जिससे काफी तेज आवाज के साथ रंगीन लपटें उठी। बस यहीं से आतिशबाजी यानी पटाखों की शुरुआत हुई। वैसे पटाखों का पहला प्रमाण वर्ष 1040 में मिलता है, जब चीनियों ने इन तीन चीजों के साथ कुछ और रसायन मिलाते हुए कागज में लपेटकर फायर पिल बनाई थी। आतिशबाजी को रंगीन बनाने के लिए उसमें सेंट्रोशियम और बोरियम नामक धातु और लवणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पोटेशियम क्लोरेट के साथ मिलाते हैं। ट्रोशियम नाइट्रेट लाल रंग पैदा करता है, जबकि स्ट्रोशियम कार्बोनेट पीला रंग पैदा करता है। बेरियम के लवणों से हरा रंग और स्ट्रोशियम सल्फेट से हल्का आसमानी रंग पैदा होता है। इस तरह आतिशबाजी के दौरान
अनेक रंग पैदा हो जाते हैं जो उसे खूबसूरत बनाते हैं। हमने आपको इतिहास में किस तरीके से पटाखे जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास से अलग अलग काल से पटाखों का संबंध रहा है, उससे रूबरू कराया। लेकिन सबसे अहम बात है उस वैज्ञानिक के बारे में, उस सोच के बारे में कि जिसने ये सोचा कि पटाखे भी हो सकते हैं, या उसके सामने ऐसा कुछ आया जिसकी वजह से पटाखे की एक सोच उभर कर सामने आई, पटाखे की कल्पना उभर कर सामने आई। और ऐसा वो कौन सा मुल्क था जहाँ पर सबसे पहले ये घटना घटी और उसके बाद आज हम और आप पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, और अब तो ग्रीन पटाखे की भी बात सामने आ गई। लेकिन चलिए आपको उस मुल्क में लिए चलते हैं जहाँ से पटाखे की शुरुआत हुई। पटाखे बनाने की कला भारत सहित अन्य पूर्वी देशों को भी आती थी। यूरोप में पटाखों का चलन सबसे पहले पटाखों का उत्पादन इटली ने किया था। जर्मनी के लोग युद्ध के मैदानों में इन बमों का इस्तेमाल करते थे। चीन के लोग किसी समारोह आदि में इन बमों का इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी इनका उपयोग समारोह में किया जाता था। वहीं अमेरिका में इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में मिलिट्री ने किया था। इसकी प्रतिक्रिया में पटाखे बनाने की कई कंपनियां खुली और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला। बाद में पश्चिमी देशों ने हाथ से फेंके जाने वाले बम बनाए, बंदूकें और तोप भी इसी कारण बनी थी। 1892 में अमेरिका में कोलंबस के आगमन की चौथी शताब्दी पर आतिशबाजी की गई। ब्रुकलिन ब्रिज पर हुई इस आतिशबाजी को करीब 10 लाख लोगों ने देखा था। पटाखों से होने वाले खतरों को देखते हुए अमेरिका में एक कमेटी का गठन किया गया था। अमेरिका ने सोसाइटी फॉर सप्रेशन ऑफ अननेसेसरी नॉइज का गठन किया था। कुछ सालों पहले जापान में एक ऐसी रंगीन आतिशबाजी का प्रदर्शन किया गया। 3000 फुट की ऊंचाई पर जाकर 2000 फुट के व्यास में आतिशबाजी बिखर गई थी। सबसे लंबा पटाखा छोड़ने का प्रदर्शन 20 फरवरी 1988 को किया गया। यूनाइटेड ग्लेशियन यूथ मूवमेंट की ओर से यह भव्य प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन 9 घंटे 27 मिनट तक जारी रहा था। इस प्रदर्शन में 33,38,777 पटाखों का इस्तेमाल हुआ। इस प्रदर्शन में 666 किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल किया गया था। भारत में पटाखे बनाने का मुख्य केंद्र शिवाकाशी है। प्राचीन ग्रंथों में दिवाली के त्योहारों पर भी लोग खुशी का इजहार रोशनी करके करते थे, शोर करके नहीं। पटाखों से शोर करना तो चीन की परंपरा थी। चीन में मान्यता थी कि पटाखों के शोर से डरकर बुरी आत्माएं, विचार, दुर्भाग्य भागेगा और सौभाग्य प्रबल होगा। ये विचार शायद भारत में आतिश दीपांकर नाम के बंगाली बौद्ध धर्मगुरु ने 12वीं सदी में प्रचलित किया। वो शायद इसे चीन, तिब्बत और पूर्व एशिया से सीख कर आए। अन्यथा भारत के ऋग्वेद में तो दुर्भाग्य लाने वाली निरिति को देवी माना गया है और दिशाओं के 9 स्वामियों में से एक का दर्जा दिया गया है। उससे प्रार्थना की जाती है कि हे देवी, अब जाओ, पलट कर मत आना। ये कहीं नहीं कहा गया कि उसे पटाखों की आवाज से डरा धमका कर भगाया जाए। इतना जरूर है कि भारत प्राचीन काल से ही विशेष रोशनी और आवाज के साथ फटने वाले यंत्रों से परिचित था। 2000 से भी ज्यादा साल पहले भारत के मिथकों में इस तरह के यंत्रों का वर्णन है। पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है, या यूं समझ लीजिए कि अयोध्या में जब राम वापस लौट रहे थे तब भी दीपों का एक प्रचलन उस समय भी देखा गया था। और ये बताया जाता है कि मुगलों के दौर में भी पटाखों का इस्तेमाल होता था। लेकिन क्या इसका इतिहास इतना पुराना है, ये मुगल काल से लेकर के अब तक चला आ रहा है, या भगवान राम के वक्त में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था? एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो पटाखे आज हमारे हाथ में हैं, हो सकता है कि वो आधुनिक पटाखे हों, लेकिन इसकी जो छोर है, इसका जो इतिहास है, वो बहुत पुराना है। देखिए, मुगलों के दौर में आतिशबाजी और पटाखे खूब इस्तेमाल होते थे, ये तो पता है। लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि भारत में पटाखे मुगल ही लेकर आए थे। दरअसल उनसे पहले पटाखे हिंदुस्तान में आ चुके थे।
दारा शिकोह की शादी की पेंटिंग में लोग पटाखे जलाते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन ये मुगलों से पहले भी थे। फिरोज शाह के जमाने में भी आतिशबाजी खूब हुआ करती थी। गन पाउडर बाद में भारत में आया, लेकिन मुगलों से पहले पटाखे जरूर आ गए थे। इसका बड़ा इस्तेमाल शिकार या हाथियों की लड़ाई के दौरान होता था। पटाखे चलाए जाते थे ताकि उन्हें डराया जा सके। बताया जाता है कि मुगल दौर में शादी या दूसरे जश्न में भी पटाखे और आतिशबाजी होती थी। ईसा पूर्व काल में रचे गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी एक ऐसी ही घटना का विवरण है जो तेजी से जलता था, तेज लपटे पैदा करता था और अगर इसे एक नलिका में ठूस दिया जाए तो पटाखा बन जाता था। बंगाल के इलाके में बारिश के मौसम के बाद कई इलाकों में सूखती हुई जमीन पर ही लवण की एक परत बन जाती थी। इस लवण को बारीक पीस लेने पर तेजी से जलने वाला चूर्ण बन जाता था। अगर इसमें गंधक और कोयले के बुराद की उचित मात्रा मिला दी जाए तो उसकी ज्वलनशीलता भी बढ़ जाती थी। जहां जमीन पर यह लवण नहीं मिलता था वहां इसे उचित किस्म की लकड़ी की राख की धोवन से बनाया जाता था। वैद्य भी इस लवण का इस्तेमाल अनेक बीमारियों के लिए करते थे। लगभग सारे देश में ही ये चूर्ण और इससे बनने वाला बारूद मिल जाता था, लेकिन लगता नहीं कि इसका इस्तेमाल पटाखे बनाने में होता था। खुशियां मनाने के लिए, उल्लास जताने के लिए घर द्वार पर रोशनी जरूर की जाती थी, लेकिन इस रोशनी में भी पटाखों का तो कोई विवरण नहीं मिलता। ये बारूद इतना ज्वलनशील भी नहीं था कि इसका इस्तेमाल दुश्मन को मारने के लिए किया जा सके। उस तरह के बारूद का जिक्र तो शायद पहली बार साल 1270 में सीरिया के रसायन शास्त्री हसन अल रम्मान ने अपनी किताब में किया, जहां उन्होंने बारूद को गर्म पानी से शुद्ध करके ज्यादा विस्फोटक बनाने की बात कही। जब 1526 में काबुल के सुल्तान बाबर ने मुगल सेना के साथ मिलकर दिल्ली के सुल्तान पर हमला किया तो इतिहासकार कहते हैं कि उसकी बारूदी तोपों की आवाज सुनकर भारतीय सैनिकों के छक्के छूट गए। अगर मंदिरों और शहरों में पटाखे फोड़ने की परंपरा रही होती तो शायद ये वीर सिपाही तेज आवाज से इतना न डरते। दूसरे जानकार कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि पटाखे और आतिशबाजी मुगलों के बाद शुरू हुई, लेकिन जानकार इसे भी अधूरी जानकारी बताते हैं। विश्व में पटाखों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। विश्व में पटाखों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारत में पटाखों का व्यापार 2600 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तमिलनाडु के शिवकाशी को पटाखा उत्पादन का गढ़ माना जाता है। हर साल इस धंधे में काम करने वाले 20 से 25 लोगों की मौत हो जाती है। एक फूलझड़ी जलने से होने वाला नुकसान 74 सिगरेट पीने के बराबर है। पटाखा स्नैक को जलाने से 462 सिगरेट पीने जितना असर होता है। अनार को जलाने से 34 सिगरेट पीने जितना फर्क पड़ता है। भारत में उत्सवों के दौरान आतिशबाजी का चलन तो अंग्रेजी शासन काल में शुरू हुआ, लेकिन बारूद के धमाके इससे बहुत पहले शुरू हो गए थे। मुगलों ने जब भारत पर हमला किया तो वो अपने साथ बारूद भी लाए थे। इस बारूद से वो बम बनाते थे और भारतीय सेनाओं पर हमला करते थे। बाद में मुगल और कुछ भारतीय राजा जश्न मनाने के लिए घातक बारूद के बम से धमाका करने लगे। उन दिनों बम या बंदूक से फायर करना रसूखदारों के जश्न में शामिल हुआ। ज्यादातर मुगल और उनके मित्र राजाओं ने इसे अपनी परंपरा बनाया। भारत में कब लगा था आतिशबाजी पर प्रतिबंध? 8 अप्रैल 1667 को पहली बार औरंगजेब के आदेश पर पटाखों के इस्तेमाल को भारत में बैन किया गया था। औरंगजेब ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि देश में कोई भी गोला बारूद या आतिशबाजी का उपयोग नहीं करेगा। इस प्रतिबंध के क्रियान्वयन का बीकानेर के पूर्व राजा महाराजा गंगा सिंह ने समर्थन किया था, जिन्होंने एक एक्ट का मसौदा तैयार किया जिसमें उत्सव के लिए पटाखे का इस्तेमाल न करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये
पर्यावरण और संपत्ति दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। बच्चों को पटाखे से दूर रखिए। लेकिन अब कुछ ऐसी बातें जो आपको समझनी चाहिए। आपको बच्चों को पटाखे से दूर रखना चाहिए, वरना क्या हो सकता है ये भी समझिए। एक्यूट अस्थमा अटैक आ सकता है, निमोनिया के मामले बढ़ सकते हैं, दिमाग के विकास में दिक्कत हो सकती है, फेफड़े से संबंधित होने वाली बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और बीमारियों को पटाखे खुला न्योता देते हैं। पटाखे जब जलते हैं तो तेज धमाके के साथ फूटते हैं, तो हम में से हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि इन पटाखों के काले धुएं और शोर का हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब पटाखे जलते हैं और फूटते हैं तो उससे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। पटाखों के धुएं से अस्थमा और अन्य फेफड़ों संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। पटाखों का शोर मत कहना वन स्मोक। पटाखों की आवाज हमारी श्रवण शक्ति पर भी प्रभाव डालती है। इससे भविष्य में हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो सकती है। आम दिनों में शोर का मानक स्तर दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल के लगभग होता है, लेकिन दीपावली आते आते ये 70 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है। इतना अधिक शोर हमें बहरा करने के लिए काफी है। हादसों का पर्याय पटाखे। कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा सकती है ये जानते हुए भी हम उसका उपयोग करते हैं। पटाखे हादसों का पर्याय है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही हमारे अमूल्य जीवन को बर्बाद कर सकती है ये जानते हुए भी हम अपने शौक के खातिर हंसते हंसते अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। पटाखों की धमक हमारे चेहरे पर जरूर मुस्कान लाती है, लेकिन ये मुस्कान हमारी बर्बादी का पूर्वाभ्यास होती है। इसका अभ्यास हमें उस वक्त नहीं होता जब हम पटाखों की रोशनी में खो जाते हैं। हर साल दीपावली पर कई लोग पटाखों से जल जाते हैं और कई अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। अनार, रॉकेट, रस्सी बम, इस तरह के धमाकेदार पटाखों के शौकीनों के साथ तो ये हादसे होते ही हैं। उस विध्वंसकारी चीज को आखिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जो हमें केवल क्षणिक सुख देती है और हमारे साथ साथ पर्यावरण और पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है। जनता टीवी के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम आपने आपको बताया कि किस तरीके से पटाखे का इतिहास रहा है, और अब जब आप पटाखे फोड़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जिस पटाखे को आप जला रहे हैं उसका इतिहास क्या है और कब कब और किस किस तरीके से इन पटाखों का इस्तेमाल हुआ। हमारे इस पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।